जो तस्वीरें आएंगे वो भी दिखाएंगे, लेकिन मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम परिचय करवाते हैं। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी हैं, धर्माचार्य हैं। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। पुनीत शर्मा जी धर्म गुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुनीत जी आपका भी स्वागत है। और पूजा भाटिया जुड़ रही है मेरे साथ, ज्योतिषाचार्य हैं। पूजा जी आपका भी स्वागत है। आप तीनों लोगों के पास मैं बारी बारी से आता हूँ और मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है, जो माहौल है, जो पूजा की पद्धति है, विधि है, वो तमाम चीजें आप समझाइए। डॉक्टर अरविंद, पुनीत शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये कहा जा रहा है कि जैसा संयोग इस बार बन रहा है जन्माष्टमी के मौके पर, ऐसा द्वापर युग में बना था जब भगवान का जन्म हुआ था, और आज का दिन बेहद फलदायी है। जरा दर्शकों को और भक्तों को समझाइए कि आज किस तरीके से पूजा पाठ किया जाए, कितना कैसे फलदायी आज का दिन माना जा रहा है, और कितना आने वाले भविष्य को लेकर आज का दिन महत्व रखता है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिन हम लोगों की जो अंदर एक बच्चा है, हम सब लोग जब बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग बनने की तरफ चलते हैं, हमारी आयु जो है जब हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है, उस समय में ये जो सेलिब्रेशन जन्माष्टमी का होता है, ये हम लोगों के अंदर उस बच्चे को वापस लेके आता है। हम दोबारा से अपने अंदर की यूथफुलनेस को जीते हैं, हम उस जीवन को अंकित करना शुरू कर लेते हैं जिसको हम भूल चुके होते हैं। तो कोई भी ये जो द्वापर युग में जिस दिन बुधवार के दिन अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान विष्णु ने आग्रह किया था कि मैं जब यहाँ पे अवतरण लूंगा तो मैं चंद्रवंशियों के यहाँ लूंगा, तो ये चंद्रवंशियों के यहाँ होने की वजह से इस दिन को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है कि इस दिन आप अपने नव ग्रहों को, क्योंकि इस समय प्रत्यक्ष रूप से जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया तो चंद्रवंशी होने के कारण आधी रात को लिया ताकि चंद्रमा उसके प्रत्यक्ष प्रमाण बन सके। दूसरी चीज जो इस दिन का महत्व है वो ये है कि अगर हम चंद्रमा को इस समय में ठीक करना चाहेंगे तो हम चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को जो है दूध से अभिषेक किया जाता है और जन्म से पहले ही जब कपाट बंद किए जाते हैं तो उसके बाद में जब उनका जन्म हो जाता है उसके बाद उनको नहला के श्रृंगार किया जाता है, वस्त्रों से और मोर पंख से उन्हें सुसज्जित किया जाता है। ये सब करने की जो विधियां बनाई गई, सब कुछ इसलिए किया गया ताकि हम लोग अपने अंदर, अपने मनस के अंदर जो भी विकार है उनसे मुक्ति पा सके और एक हर्षो उल्लास के साथ अपने सभी चक्रों को जो हमारे शरीर के अंदर मूलाधार से लेके और सहस्रार चक्र तक की जो हमारी जर्नी होती है, जो हमारा डे टू डे रूटीन के अंदर जो हम अपने अंदर एक विकार और विघटन को जमा जी, बिल्कुल सही आपने कहा। पुनीत जी मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, कुछ तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग हिस्सों से, वो जरा दर्शकों को हम दिखा दें, उसके बाद चर्चा हम लगातार करते रहेंगे आज के महत्व। अब मैं एक बार फिर से पुनीत शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अभी 15-20 मिनट का वक्त बचा है। अब से अगर मंत्र की बात करें तो क्या, कौन सा मंत्र अभी जाप करना चाहिए जिससे जो भक्त हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, किस तरीके से अब से उनकी आराधना या फिर उनका ध्यान करना चाहिए भगवान कृष्ण का? भगवान हमेशा भाव के भूखे हैं, भक्ति में अगर भाव है तो कोई भी मंत्र अगर मन से किया जाए, जय श्री कृष्णा बोल के भी आप उसको उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही संदेश हर बार दिया और हर बार उन्होंने ये बताया कि कर्म की जो परिभाषा है, अगर हम उस रास्ते पे बिना फल की इच्छा के अपने निरंतर प्रयास में लगे रहेंगे तो हमारी जीत होगी, शत्रुओं का दमन होगा। और ये वो समय है जिस समय में हर एक इंसान को कृष्ण में होके, कृष्ण की भक्ति में सराबोर होके, केवल और केवल उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए चलना है। आज जो समय और जो संकट की स्थितियां बनी हुई है, जो कोरोना का एक कहर पिछले दिनों में हम सब लोग उससे निकल के आए हैं जी, उन सब से निकलने का बहुत ही उपयुक्त समय है, क्योंकि कन्या राशि जो है ये हमारी जन्म पत्री के अंदर सिक्स्थ हाउस को दर्शाती है और छठा घर रोग ऋण शत्रु का घर है। आज का वो दिन जिस दिन हम जय श्री कृष्णा मंत्र का उच्चारण करेंगे और रोग ऋण शत्रु को दूर भगाने के लिए, क्योंकि आज जो है शुक्र भी वहां पे नीच के बैठे हैं और वहीं पे बुध अपने स्वराशि में
विराजमान है। आज के दिन चंद्रमा और राहु जो है ये वृषभ राशि के अंदर संचरित है। जी। बहुत ही सुंदर संयोग है, बहुत ही अच्छा दिन है। अगर आप सामर्थ्य रखते हैं या नहीं रखते हैं तब भी आप ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, आपका यश मान सम्मान बढ़ेगा। आपको सबसे ज्यादा जरूरत आज के समय में अपनी मेंटल हेल्थ की है, यानी कि डिप्रेशन जो पीछे बीमारी के दौर में लोगों को घर कर गया, बहुत सारे ऐसे लोग आज आपको मिलेंगे जो एक एप्रीहेंशन, एक डर को लेके जी रहे हैं। मानसिक अवसाद की जो स्थितियां बन गई लोगों के अंदर, डर जो बैठ गया उसने लोगों का आगे सोचने विचारने की शक्ति को क्षीण कर दिया। तो आज का वो दिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप जय श्री कृष्णा का जाप कीजिए और भगवान को आप, क्योंकि नव ग्रहों के जो रस होते हैं नव रस, इन्हें अर्पित कीजिए। और अगर आपके पास में सामर्थ्य हो तो नवरत्न को जड़ित एक मुकुट जो है भगवान श्री कृष्ण को आप सुशोभित करें, इससे आपके सारे मार्ग प्रशस्त होंगे, नवग्रह की शांति होगी और आपके जो ये संयोग बना हुआ, जैसे कि कन्या राशि में बुध है, शुक्र है, सूर्य और ये जो इतना इस टाइम पे बहुत ही अच्छी स्थितियों के अंदर बैठे हुए हैं, तो इस समय का आपको पूर्ण लाभ लेने के लिए आज के दिन से ही संकल्प लेना है कि आपने लगातार निरंतर आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है, योग का आपको अपने जीवन में पालन करना है। और आपको अपने जो स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, क्योंकि चंद्रवंशी श्री कृष्ण जी का आज जन्म होने जा रहा है, तो आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करने का मौका मिलेगा। और यश मान सम्मान के लिए अगर आपने उनके माथे के ऊपर नवरत्न जड़ित मुकुट चांदी का सुशोभित कर दिया तो आपकी मानसिक अवसाद की जो स्थितियां बनी हुई है उनसे भी मुक्ति मिलेगी। आपको ये सिंपल सा उपाय जो मैंने बताया, अगर आपके नवरत्न उनको भेंट करने की सामर्थ्य नहीं है तो आप नौ रंग जो है इनसे बने हुए वस्त्र जो है उनसे उन्हें सुशोभित कीजिए, आपका मार्ग खुल जाएगा और आपका आने वाला समय शुभ हो जाएगा। बिल्कुल, सच्चे मन से, सच्चे दिल से उनकी आराधना करिए और जो उपाय बताया अभी पुनीत शर्मा जी ने उनसे उनको उनका अनुसरण करिए, वाकई में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पास आऊंगा पुनीत शर्मा जी, भगवान का जन्म हो चुका है, प्राकट्य हो चुका है और इस वक्त पूरा हिंदुस्तान, सभी भक्त इस वक्त भक्ति भाव में हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, चूंकि इस वक्त माहौल ही ऐसा है कि सभी लोग भक्ति रस में डूबे हैं। सारा विश्व जो है इस वक्त कृष्णमय हो चुका है, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है और मुझे पूर्ण विश्वास है और मेरी ये आस्था है भगवान के अंदर कि वो अब हम सब लोगों को अपने सहारे से, अपने आशीर्वाद से हर संकट से मुक्ति दिलाएंगे। और आज के दिन क्योंकि वो संयोग दोबारा से निर्मित हुआ जो द्वापर युग में हुआ था, जयंती योग, और इस दिन सोमवार के दिन जो ये शुभ मुहूर्त पड़े हुए हैं, इसी दिन से आपके जितने भी कार्य अभी तक रुके हुए थे आज से उन्हें आप लिख लीजिए, वो कार्य आपके संपूर्ण आपको सफलताओं तक लेके जाने की एक उम्मीद जगाएंगे, क्योंकि आज के दिन से किया हुआ प्रयास आपको सफलताएं दिलाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन और आप सबको मंगल कामनाएं देते हुए मैं ये आप लोगों को एक संदेश देना चाहूंगी कि अपने कर्म के पथ पे बिल्कुल ऑनेस्टी से और सच्चे मन से अगर आप बढ़ते रहिए, बिल्कुल, और वो सफल होता है। ठीक है, समय कम है इसीलिए